नमस्कार दोस्तों, हैवी लाइसेंस कैसे बनवाएं इस बारे में ये वीडियो है। हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास आप एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि आपका एक साल पुराना होना चाहिए, यानी कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए एक साल का समय हो जाता है, उसके बाद आप हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, हैवी लाइसेंस बनवा सकते हो। हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको दो आईडी प्रूफ लगाना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी दो आईडी प्रूफ लगा दीजिए। हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। एज प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगाना है जिसमें आप 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट लगा सकते हो या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप एससी या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट साथ में संलग्न करना है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में संलग्न कर देना है। इसके अलावा 5 पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है। आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करके ऑनलाइन प्रिंट निकालना है, और आपने कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रेनिंग करना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके ऑनलाइन कर दीजिए, प्रिंट निकाल दीजिए, प्रिंट आपको फाइल में लगाना है, और ये जो सारे डॉक्यूमेंट है वो फाइल में संलग्न करने हैं और आपको कार्यालय में जमा करवा देना है। और जब आपका नंबर आएगा ट्रेनिंग के लिए तो आपको ट्रेनिंग करनी है, और उसके बाद आपको हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई करके आपका हैवी लाइसेंस है वो बन जाएगा। तो इसके लिए ऑनलाइन कैसे करें इस जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर या मोजिला ब्राउजर जिस पे आप काम करते हो ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको साइट विजिट करना है dts.hrtransport.gov.in। dts.hrtransport.gov.in ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, ये साइट आपको विजिट करना है। हैवी की फाइल आपको ऑनलाइन करने के लिए ये साइट आप विजिट कीजिए। साइट विजिट करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ आप देख रहे हो चालक प्रशिक्षण आवेदन के लिए हिदायतें, ये नीचे कुछ हिदायतें दी गई है, इनको आप रीड कर लीजिए ध्यान से, इन सभी हिदायतों को आप रीड कर लीजिए। यहाँ आप देख रहे हो राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन फॉर ड्राइवर ट्रेनिंग, यहाँ पे क्लिक करके और आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना है। यहाँ पे आप रीप्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन है उसको रीप्रिंट कर सकते हो, एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हो, यहाँ पे ट्रेनिंग की लिस्ट जान सकते हो, ये सारी जानकारी के लिए यहाँ पे आपको लिंक है वो मिल जाएंगे। अभी हमारे को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख रहे हो राइट साइड में, यहाँ पे आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है वो मिल जाएगी कि वेटिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वेटिंग है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं यमुनानगर में, सबसे ऊपर यमुनानगर है, यहाँ पे 1 मंथ की वेटिंग है। अप्लाई करने के 1 महीने के बाद आपका ट्रेनिंग के लिए नंबर है वो आ जाएगा। कैथल है, यहाँ पे भी 1 महीने की वेटिंग है। बाकी फरीदाबाद, पंचकूला, कुरुक्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हो सभी के लिए। यहां आप देख रहे हो चरखी दादरी के लिए सबसे लास्ट में यहां पे 12 महीनों की वेटिंग है, यानी कि अगर चरखी दादरी में अप्लाई करते हो तो 12 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग का नंबर है वो आपका आएगा। और सबसे कम है वो यमुनानगर में। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है वो चेक कर लीजिए कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। कम वेटिंग वाले में करना है तो आपको कम वेटिंग वाला डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहां देखो लेफ्ट साइड में, तो यहां पे एप्लीकेंट नेम सबसे ऊपर, यहां पे सबसे पहले आपको इस कॉलम में एप्लीकेंट का नाम लिखना है। इसके बाद आप यहां देखोगे एप्लीकेंट फादर नेम, यहां पे इस कॉलम में, इसके सामने वाले कॉलम में फादर का नाम लिखना है। इसके बाद आपको एड्रेस लिखना है, यहां पे आप एड्रेस लिखोगे सामने वाले कॉलम में। इसके बाद एजुकेशन डिटेल है और डेट ऑफ बर्थ है। कैटेगरी है, अगर कैटेगरी में जनरल है, एससी है, बीसी है, जो भी कैटेगरी है वो आपको यहां पे मेंशन करना है। इसके बाद यहां पे आधार कार्ड, आपको यहां पे आधार कार्ड नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर डालना है, और यहां पे आपको लाइसेंस नंबर, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो आपको यहां पे मेंशन कर देना है, और यहां पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू कब हुआ था और कौन सी अथॉरिटी से इशू हुआ है, ये पूरी डिटेल आपको यहां पे मेंशन कर देनी है। यहां पे जो सामने दिखाई दे रहा है इस कॉलम में आपको मेंशन करना है। और यहां पे ट्रेनिंग स्टेशन है, तो ट्रेनिंग स्टेशन में यहां पे आपको आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रेनिंग करना चाहते हो। उसके बाद आपको यहां पे फोटो और साइन अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। सिंपल सी एप्लीकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, आसानी से अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पे आपको नाम है वो नाम टाइप कर देना है इस कॉलम में, और उसके बाद यहां पे फादर का नाम है, फादर का नाम यहां पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद यहां पे पूरा जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहां पे मेंशन कर देना है। एड्रेस फिल कर देने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल यहां पे फिल करनी होती है, आपकी जो एजुकेशन है वो आप यहां पे लिख दीजिए। इसके बाद यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पे मेंशन करना होता है, तो यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है।
डेट ऑफ बर्थ फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आपको कैटेगरी फिल कर देनी है। आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ पे फिल कर दीजिए। आपकी कैटेगरी जनरल है या एससी या बीसी, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप इस कॉलम में फिल कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको लाइसेंस की डिटेल डालनी होती है। सबसे ऊपर आपको लाइसेंस नंबर डालना होता है। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है जो एक साल पुराना हो चुका है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। लाइसेंस नंबर फिल कर देने के बाद नेक्स्ट टेब में आपको लाइसेंस कब इशू किया गया था वो तारीख आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपका लाइसेंस कब जारी किया गया था वो तारीख आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लाइसेंस जारी करने की अथॉरिटी है, इश्यूइंग अथॉरिटी है, इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम यहाँ पे आपको देना है। ये डिटेल फिल कर देने के बाद आप यहाँ देख रहे हो ट्रेनिंग स्टेशन, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। आप ट्रेनिंग कहाँ करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे कैथल है, कैथल में अभी एक महीने की वेटिंग है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर है, साइन है वो अपलोड कर देना है। फोटो और जो साइन है उसका साइज है वो आपको 100 KB से कम रखना है, 100 KB से साइज कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपकी फोटो है वो होनी चाहिए। डिटेल फिल कर देने के बाद और फोटो और सिग्नेचर अटैच कर देने के बाद एक बार फॉर्म को रीचेक जरूर कर लीजिए। अगर आपकी सारी डिटेल आपने सही से फिल कर दी है तो आप यहां पे सबमिट कर दीजिए। एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद आपको यहां पे एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, जैसे यहां पे एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है और यहां पे सबमिट डेट है वो आपको दिखाई देगी, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। यहां से हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है और 15 दिनों में ये जो हरियाणा रोडवेज ऑफिस है वहां पे जाकर के कार्यालय में जो सारे डॉक्यूमेंट है वो लगा देने हैं आपको, जो मैंने आपको बताया। आईडी, जैसे दो आपको आईडी प्रूफ लगाने होते हैं वो आईडी प्रूफ साथ में लगा दीजिए और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगा दीजिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा दीजिए और पासपोर्ट साइज फोटो लगा दीजिए। इसके साथ साथ आपको एक एफिडेविट भी बनवाना होता है तो एफिडेविट आप साथ में संलग्न कर दीजिए। आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एक एफिडेविट तैयार करना होता है, एफिडेविट साथ में लगा करके फाइल तैयार करके आपको कार्यालय में जमा करवा देनी है। यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फॉर्म है वो डाउनलोड हो चुका है। आपको इस तरह से फॉर्म दिखाई देगा, इसको आप प्रिंट कर लेना है, प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे आपकी फोटो सिग्नेचर वगैरह पूरी डिटेल मिल जाएगी। फॉर्म को स्क्रॉल करके देखोगे यहाँ पे नीचे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे दो पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, साथ में आपको आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र लगाना है यानी कि 10वीं 12वीं क्लास की DMC, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी दो फोटो है वो आपको साथ में आईडी की फोटो कॉपी लगा देनी है। यहाँ पे आपको LMB या LTV चालक जो लाइसेंस आपका बना हुआ है पहले उसकी फोटो प्रति आपको साथ में अटेस्टेड करके लगा देनी है। जाति प्रमाण पत्र आपको लगा देना है कि जो अनुसूचित जाति है पिछड़े वर्ग से जो संबंध रखते हैं उनको यहाँ पे लगा देना है और 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगा करके और शपथ पत्र आपको नोटरी करवा करके साथ में संलग्न कर देना है। तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट लगा देने हैं और ये जो फॉर्म है इसको प्रिंट करके साथ में संलग्न कर देना है और फाइल बना करके आपको कार्यालय में जमा करवा देनी है। तो ये थी जानकारी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे और ये वीडियो वॉच करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अपना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। अगर आपकी एज 21 साल से अधिक है और आपका जो LMB ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका तो आप अप्लाई करके और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस होती है ट्रेनिंग की, इसकी फीस की जानकारी आपको कार्यालय में मिल जाएगी। कार्यालय में जब आप फाइल सबमिट कराओगे वहां पे आपको फीस की जानकारी है वो मिल जाती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए और अगर कुछ जानकारी चाहिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।